हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त आसिफ चौधरी, सभी भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, राम राम, सत श्री अकाल आदाब। तो भाई, काफ़ी टाइम के बाद एक वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हूँ। तकरीबन एक महीना हो गया भाई। काफ़ी भाई लोगों के फ़ोन भी आ रहे थे, व्हाट्सएप पर मैसेज भी आए कि आसिफ भाई आप काफ़ी टाइम हो गया कोई वीडियो वगैरह नहीं अपलोड कर रहे। तो देखो भाई, जैसे आप मुझे फ़ोन करते हैं ना, तो या बस मुझे मैसेज करते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। मैंने कहा यार चलो, भाई हैं हमारे छोटे बड़े भाई हैं जिनको, चलो हमारे वीडियो का इंतज़ार तो रहता है कि भाई आसिफ भाई वीडियो अपलोड करें यार, हम उनके कबूतरों को सौंप करें। तो बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करता हूँ भाई, आपका दिल से धन्यवाद है मेरे सभी प्यारे भाइयों का। तो भाई काफ़ी लोगों के कबूतर भी गए हैं, तो कोई वीडियो नहीं बना पा रहा था, किसी काम में बिजी था भाई, और कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी बीच में, इसलिए कोई वीडियो वगैरह बनाने का मन भी नहीं था। तो काफ़ी जब भाइयों का फ़ोन आया तो मैंने सोचा चलो यार वीडियो बना ही देते हैं, जिनके कबूतर गए हैं उनको नाम तो कम से कम बता दिया जाए भाइयों को। तो भाई ये अपना सन्नी गुड़गांव से आया था भाई, ये इसके पास जाते रहते हैं बच्चे, पांच बच्चे गए थे भाई के पास में, घर पे आके लेके गया था भाई, इसकी वीडियो नहीं बना पाया था मैं। और अफसान हापुड़, भाई को एक उड़ाने के लिए कबूतर दिया है, उड़ा सकता है, जोड़ों में डाल सकता है, पट्ठा है 10-20 साफ, ये परसों लेके गया हुआ है। निक्कू यादव भाई अपना गुड़गांव से, इसके पास भी दूसरी बार पहुँचाया, एक जोड़ा पहुँचाया, अब से पहले भी एक जोड़ा पहुँचाया था और फिर एक जोड़ा पहुँचाया। अनुज लोनी, ये भाई के दो बच्चे गए हैं हरे, और ये भी काफ़ी बार पहुँचाता रहता हूँ अनुज भाई का, आपने नाम सुना होगा, तो नहीं के जाते हैं ये। मनोज लोनी, ये भाई जी आए थे अपने पास में, वीडियो तो उन्होंने नहीं बनवाई, पाँच बच्चे तकरीबन मेरे से वो लेके गए थे। नवीन हरियाणा भवाना, इन भाइयों को तीन बच्चे दिए थे, ये लेने के लिए कर पाए थे, शायद इनकी वीडियो है, मैं अब ऐड कर दूंगा उसको जो है। इमरान सहारनपुर, एक जोड़ा पूछा भाई के पास है, ब्रीडर पेयर। आमिर शेख महाराष्ट्र, भाई के पास भी एक जोड़ा पूछा है। अजीम सिकंदराबाद, पांच बच्चे लेने के लिए आया था भाई घर पे। गुल्लू मुजफ्फरनगर, दो बच्चे। सोया बुलंदशहर, एक जोड़ा। और अब्दुल्ला आजमगढ़, दो बच्चे। ये भाइयों के जो उनके कबूतर बच्चे सभी गए हैं। तो आज आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ मैं, तो बताइए सुनाइए कैसे हैं आप सब। बस थोड़ा हम भी काम में बिजी थे भाई, इसलिए कोई वीडियो वगैरह आपके सामने नहीं आई। और जिनकी बुकिंग है, आहिस्ता आहिस्ता सबके बच्चे पहुँच रहे हैं, क्योंकि बीच में आपको पता था कि कुछ गैप हो गया था, इसलिए काफ़ी बच्चे नहीं निकलवा पाया मैं। लेकिन अब की बार मैंने थोड़ा सा ये सोचा है दोस्तों, कि सर्दी के टाइम के अंदर ना बच्चे वगैरह कम ही निकलवाया करेंगे यार, क्योंकि सर्दी में बच्चे आप निकलवाने को तो निकलवा लो, दिक्कत कुछ नहीं है, पल भी जाते हैं बढ़िया, सेहत में भी निकलते हैं। लेकिन वो किसी के पास जब जाते हैं ना, नहीं तो वो उनको उड़ा पाता, नहीं वो उनको हिला पाता भाई, वो हिलाने उलाने में इंगे उंगे निकल गए, हल्के फुल्के उड़ा के भी रोक दिए, फिर वो गर्मी में नहीं उड़ते उनों के पास जाकर, क्योंकि वो गर्मी उन्होंने देखी नहीं, और सर्दियों में इतना सांस उनका बनावा नहीं था कि भाई बड़े हो गए थोड़ा जल्दी चालू हो जाएँ, वो दिक्कत करते हैं। तो फिर लोग कहते हैं आसिफ भाई आपकी चीज़ उड़ नहीं रही, ख़राब निकल गई, ये वो ये वो। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ दोस्तों, देखो चीज़ तो मैं जो आपको दे रहा हूँ उसका रिजल्ट मेरे पास तो है, और वो रिजल्ट है कि मैंने अपनी काफ़ी मेहनत के बाद इकट्ठा करा, खुद उड़ाए, उड़ा के चेक करे, वो आप लोगों के दिए। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, अपनी कमी भी हो जाती है कुछ, है ना, तो अपनी कमी पे भी हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए कि यार अगर कोई चीज़ है वो क्यों नहीं उड़ रही, फिट फोर है या क्या वजह रही। क्योंकि जो कबूतरबाजी को समझ गया, जो कबूतर को समझ गया, उसने कबूतर उड़ा लिए भाई, सीधी बात तो ये है। क्योंकि कबूतरबाजी का जो सिस्टम है ना भाई, हमारा शौक है, इसमें बिल्कुल तेज़ दिमाग का बंदा चाहिए जो बैठे हुए कबूतर को बता दे कि उसको दिक्कत क्या है, हाथ में लेने को तो दूर की बात है। अब ऐसा नहीं है कि भाई हमारे कबूतर इस साल कहीं नहीं जीते या हमने कहीं बाजी नहीं जीती, इस साल अपने ग्रुप की बहुत बाजियाँ उठी, बहुत बाजियाँ भी विन करी हैं। जहाँ मेरे कबूतर गए हुए हैं, आपके बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मुंबई महाराष्ट्र, कलकत्ता, दिल्ली, अब भी जो अक्टूबर लगी है इसमें भी जो दिल्ली कप उड़े हैं, इसमें भी कई छतों पे मेरे घर के कबूतर उड़े हैं, और 11.5-12 घंटे के एवरेज के साथ उन्होंने टाइम दिया है। बिजनौर में भी गर्मी के अंदर उड़े हैं जिन्होंने बहुत अच्छी बाजी जीती है। पंजाब के अंदर लुधियाना में बहुत अच्छी बाजी लोगों ने, बड़ी फ्रीज ट्रॉफी LCD जीती है मेरे वाले खुद कबूतरों से, वीडियो वगैरह खुद मेरे पास डाल रखी है पर्सनल उन्होंने। लेकिन पता नहीं यार, एक मन में ठीक है यार, अब पता नहीं ये चीज़ मैं शोर नहीं करना चाहता यार, कोई मेरे यहाँ से नस्ल बना रहा है ले जाके वो उड़ा रहा है, तो मुझे नहीं लगता यार, अब मुझे बताने की आप लोगों को ज़रूरत है कि भाई मेरे कबूतरों का वहाँ रिजल्ट इतना है, मेरे कबूतरों का वहाँ रिजल्ट इतना है। भाई सीधी बात ये है, जिसके पास जाएगी वो खुद बता देगा मेरे कबूतर का रिजल्ट है क्या, ठीक है। तो अब मुझे मतलब ऐसा लगता है कि मैं मतलब उस कंडीशन पर नहीं हूँ अब
कि मुझे कोई सबूत दिखाना पड़े कि आसिफ भाई आप कितनी बाजी जीत रहे हैं, आपके कबूतर कहाँ जीत रहे हैं। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता दोस्तों, आप भी जरूर बताएं कि अगर मुझे ऐसा कोई सबूत दिखाने की ज़रूरत है तो फिर वीडियो वगैरह बनाएंगे और डाल भी दिया करेंगे, डालने में कोई दिक्कत नहीं है। बस एक पता नहीं मन से इच्छा सी नहीं हुई फिर जो है, क्योंकि कई बाजी भी जीती, जीतने के बाद भी हमने वीडियो नहीं बनाई। मैंने कि नहीं यार वीडियो छोड़ो जो है, क्या आप लोगों को वीडियो बना के दिखाओ, तो थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगा वो चीज़। चलो जीतता है बंदा खुशी की बात है, लोगों ने वीडियो बना के डाली है मेरे पास, मैं करनाल से भी डाली हैं और आपका अंबाला से थोड़ा पहले पड़ता है कुरुक्षेत्र, वहाँ एक अपना लाली सैनी भाई है, उसने भी काफ़ी बाजी जीती है, अपना चेला ही है भाई, उसने भी वीडियो वगैरह काफ़ी डाली हैं। तो आज मतलब मन था कि चलो कुछ भाइयों से बातें अपनी हो जाएं, तो आज थोड़ा सा मन था आप लोगों से बात करने का, काफ़ी टाइम से कोई वीडियो भी नहीं आ रही थी। ये जो जिन जिन के कबूतर गए हैं ना, मैं इनमें कुछ वीडियो जो मेरे फ़ोन में हैं मैं वो ऐड कर दूंगा, वो आप उनका शौक जरूर कर लेना। बाकी जो उड़ने वाले कबूतरों का सेटअप है अपना, इधर है उधर है, उसको चेंज कर रहे हैं हम, और ऊपर छत पे टॉप फ्लोर पे बना रहे हैं उड़ने वाले कबूतरों का सेटअप, क्योंकि नीचे थोड़ा सा उड़ाने में मज़ा नहीं आ रहा था, बच्चे बच्चे हिलाने में भी, क्योंकि ऊपर बैठते हैं तो पूरा व्यू आता है और नीचे बैठ जाते हैं तो थोड़ा सा बच्चा कबूतर को हट गया पीछे को थोड़ा सा, तो दिक्कत करता है आने जाने में भी। तो जैसे भी रहेगा जरूर लोफ्ट का भी शौक कराएंगे आपको। इस वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों जरूर बताएं। और हाँ एक बात और आपसे ये करनी थी, अगर आपको किसी को बच्चे चाहिए मतलब दसकली साहब पट्टे चाहिए जोड़ों के लिए, तो वो मेरे पास अभी मिल सकते हैं आपको। वैसे और जो बच्चे हैं सभी मैंने उनकी बुकिंग जो है ना बंद कर रखी है, क्योंकि भाई बच्चे काफ़ी लोगों के बुक हैं और उनको जाने भी हैं, इसलिए मैं नई बुकिंग नहीं ले रहा, क्योंकि जिनकी बुकिंग लेट हो जाती है फिर वही नाराज़ होते हैं, उनको होना भी चाहिए नाराज, ठीक है। तो जोड़े वगैरह के लिए पट्टे पट्टी चाहिए आपको वो मिल सकते हैं अभी फ़िलहाल के अंदर, और हरे मटीले पीले जो हैं इनकी बुकिंग चालू रहेगी, बाकी वो टोटल सभी की बुकिंग बंद है, ठीक है भाई। लगभग फरवरी के आसपास मैं बुकिंग चालू करूँगा, तो इस बीच में कोई भाई नए बच्चों की बुकिंग के लिए फ़ोन ना करें। आप यकीन मान दोस्तों डेली मेरे पास में कुछ भी नहीं 70-80 कॉल बुकिंग के लिए आती हैं बच्चों के लिए, मैं बच्चों को मना कर देता हूँ कि भाई बुकिंग बंद है हमारी, और व्हाट्सएप पर ना जाने कितने मैसेज आते हैं, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों कोई नहीं, बाकी बने रहिए अपनी सपोर्ट के साथ अपने प्यार के साथ, अच्छी अच्छी वीडियो आपके सामने मैं लेकर इसी तरीके से आता रहूँगा, ठीक है। तो भाई ये बच्चे जा रहे हैं आज अपने मनोज भाई के पास दिल्ली लोनी बॉर्डर, तो शौक कर लें भाई पांचों बच्चों का, सेहत क्वालिटी तंदुरुस्ती चेक कर लें सभी बच्चों की। आप भाई जी ये बच्चे आप देख रहे हैं ना, काला चीना बच्चा, एक ही काला चीना बच्चा, दोनों भाई हैं। आपने तीन फीमेलें देखे होंगे, जो चॉकलेटी फीमेल थी तीनों, तो उसमें जो लास्ट में फीमेल दिखाई थी ना तीसरे नंबर की, मैंने उसके बच्चे हैं भाई ये, जो मादिन इसी साल मेरी 8-9 घंटे बढ़िया टेम्परेचर में घर के घर उठी थी, उसको फिर मैंने छोड़ा नहीं था, उसके बहन भाइयों को छोड़ा था जिनसे भाई सीधी थी। तो ये दो बच्चे उस मादिन के हैं और दो बच्चे इनमें मेरे प्योर बाबा झंडे वाले हैं, ये एक ये वाला है और एक वो पीछे बैठा है, दोनों भाई हैं, ठीक है। और एक बच्चा ये इनमें धरने वालों में से, ये आप देख रहे हैं बीच में है, ये बच्चे की शौक करें इसकी आँख देखें हम, ठीक है। तो देख लें आप पांचों बच्चों को, ठीक है दोस्तों। तो भाई आज ये भाई आए हैं अपने पास और इनको तीन बच्चे देने हैं, और नवीन हरियाणा बवाना भाई के नाम से बुकिंग थी, उनके जाने हैं तीन बच्चे। आपके क्या नाम भाई? बंटी तोसाम। तो सुबह किस टाइम चले थे आप अपने घर से? चले थे 7 बजे। 7 बजे तकरीबन है ना, 200 किलोमीटर तो पड़ गया होगा आपको? 200 आराम से पड़ गया होगा, है ना, आराम से। चलो तो बच्चे दिखा देते हैं आपको, ये तीनों बच्चे हैं जो भाई के देने हैं आज, दो मीराब वाले हैं और एक हजार वाला है, एक मीराब वाला ये है और एक ये हजार वाला बच्चा बैठा है। इनकी स्टोरी भाई को बता दी मैंने, कौन सा बच्चा कैसे जीते हुए हमारे, ठीक है। तो मीराब वाले वैसे भी मेरे पास कमी है,
गिने चुने ये ज्यादा नहीं है, ठीक है दोस्तों। जरूर बताएं बच्चे कैसे लगे।